नमस्ते फ्रेंड्स, मैं शिवानी एसबी फैशन हब की तरफ से एक बार फिर से आप सब लोग का हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। और सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी चाहूंगी कि इतने दिन बाद वीडियो आ रहा है, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा मेरा घर शिफ्ट करना था, जिसके कारण घर सेटिंग और उसकी वजह से थोड़ा सा वीडियो लेट हो गई। तो आज मैं फिर एक बार कुछ डिजाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप चाहे तो अपने, अगर आपको डिजाइन पसंद आए तो अपने ड्रेस को आप इस तरह का डिजाइन करवा सकते हैं अपने टेलर से, या फिर आप मेरे से स्टिच करवाना चाहें या डिजाइन करवाना चाहें तो मेरे से भी करवा सकते हैं। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ डीडीओ नगर में रहती हूँ। बाकी की डिटेल्स आपको मेरे स्क्रीन पे मिल जाएंगी, माई चैनल पे आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और दिखाते हैं डिजाइन। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फर्स्ट डिजाइन मैं आपको दिखा रही हूँ आज का। ये मेरी बेटी के लिए मैंने मिडी डिजाइन किया है और ये ऑफ शोल्डर है, आप देख सकते हैं। एक साइड इसमें अम्ब्रेला मैंने स्लीव्स दी हैं और आज ये बहुत ट्रेंडी और सुंदर भी लगता है ना, एकदम सिंपल मैंने इसको रखा है और फैब्रिक भी बहुत सॉफ्ट है और पहनने के बाद ये बहुत सुंदर लग रहा था। और इसका ना मैं आपको फोटो अपने स्क्रीन पे लगा के आपको दिखा दूंगी कि पहनने के बाद ये कैसा लग रहा था। तो ये देखिए, आप भी अपनी बच्ची के लिए या अपने लिए लॉन्ग में इसको डिजाइन करवा सकते हैं। आप अपने टेलर को ये आइडिया दे सकते हैं या आप मुझसे करवाना चाहें तो मुझसे भी करवा सकते हैं। तो दिस इज माय फर्स्ट डिजाइन जो आप देख सकते हैं। ये आज का दूसरा डिजाइन है फ्रेंड्स, ये एक कुर्ती है जो जॉर्जेट और कॉटन के कपड़े का मिक्सिंग है। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये मैंने कैसा बनाया है। ये देखिए मैंने फ्रेंड्स, ये ग्रीन कपड़ा है जो ये पूरा प्योर कॉटन में था, तो इसको मैंने अंदर रख के पूरा ये लाइन बनाया है, आप देख सकते हैं। और मुझे ना कुछ मानसून के अकॉर्डिंग इसको डिजाइन करना था, कुछ ब्राइटनेस कुछ उसको देते हुए, तो मैंने ये जॉर्जेट का कपड़ा लिया जिसको मैंने फ्रंट में ओनली ओपन करके दिया है जैकेट स्टाइल। जैसे सामने से देखो तो लगता है कि जैकेट आपने वेयर किया हुआ है। और ये देखिए, ये एक ए लाइन फुल कुर्ती है जो मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। इसकी स्लीव्स भी मैंने, इसकी अफगानी मैंने स्लीव्स रखी हैं, जिसके कफ मैंने कॉटन के दिए हैं और जो स्लीव्स हैं इसकी पूरा जॉर्जेट की है। पहनने के बाद बहुत ऑसम लुक देता है। अभी हेमिंग इसके ड्यू है नेक पे, मैं आपको दिखाती हूँ इसका भी लुक पूरा भी कैसा है। ये देखिए, देख रहे होंगे फ्रेंड्स, ये था आज का दूसरा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है आज का थर्ड डिजाइन। ये भी एक कुर्ती है और फ्लोरल कुर्ती है पूरा लॉन्ग। और आजकल आपको पता होगा कि जयपुरी ब्लॉक प्रिंट बहुत ट्रेंड में है कपड़ा, तो मैंने ये कपड़ा खरीदा था, दोनों को मिक्स एंड मैच करके फिर मैंने उसका ये डिजाइन रेडी किया है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए फुल हैवी लॉन्ग, आप इसको गाउन भी बोल सकते हैं, कली वाला कुर्ती भी बोल सकते हैं अंगारखा, और फ्रॉक भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए फ्रेंड, इसके अपर पार्ट को मैंने अंगारखा रखा है और उस पर मैंने एंकर थ्रेड से कुछ डोर दिया है फैशन के लिए। इसमें मैं अभी टेसल डालूंगी और आप ये देख सकते हैं, ये अंगारखा पैटर्न है। इसकी स्लीव्स को मैंने व्हाइट लेस से डिटेलिंग किया क्योंकि इसमें व्हाइट है और समर में ना व्हाइट ही ज्यादा अच्छा लगता है हर चीज की डिटेलिंग के लिए। नैरो नेक है बैक, आप देख सकते हैं, और ये फुल कुर्ती है। इसकी फुल कुर्ती में मैंने क्या किया ना, जो अपर चोली बनाई है उसी का मैंने बॉर्डर डाला है और व्हाइट लेस से उस बॉर्डर को भी डिटेल किया है। और ये कॉटन लेस है, लेस भी कॉटन, एकदम प्योर कॉटन कुर्ती है। आप चाहें तो ऐसा आप कुर्ती डिजाइन करवा सकते हैं मेरे से भी या अपने टेलर से भी, जैसा आपको अच्छा लगे। और ये मैंने कली में काटा हुआ है फ्रेंड्स, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये कली वाला कुर्ती है, इसको कली में मैंने काटा है और 12 पैनल का ये कुर्ती है। इसका भी मैं आपको खड़े होकर फुल लुक दिखाती हूँ, आपको कैसा लगा बताइएगा। बहुत सुंदर लग रहा था वेयर करने के बाद ये, अगर आपको लगेगा तो मैं आपको पहन के भी फोटो डालूंगी जिस दिन मैं इसको पहनूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, आज का ये कुर्ती का डिजाइन है फोर्थ, इसको भी मैं आपको दिखाती हूँ आज का ड्रेस। ये भी एक ए लाइन लॉन्ग कुर्ती है, आप इसको फ्रॉक बोल सकते हैं, कुर्ती बोल सकते हैं, गाउन बोल सकते हैं, और इसको मैंने स्लीव्स लेस रखा है। और फ्रेंड्स, इसके मैचिंग ना मैंने मार्केट से ये कपड़ा लिया जिसको मैंने फ्रंट में जैकेट स्टाइल लुक देके लगा दिया ताकि ये थोड़ा डिफरेंट लगे। और नीचे घेरे में भी मैंने ये लहरिए वाला कपड़ा, देखिए इसका लेंथ बढ़ा दिया क्योंकि ना मुझे थोड़ा लॉन्ग में ही बनाना था, मुझे लॉन्ग कुर्तियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। और ये डांसिंग गर्ल बॉय राधा कृष्ण डांडिया कुछ भी बोल सकते हो, गुजराती प्रिंट वो फैब्रिक मैंने लिया और स्टिच किया है, आप देख सकते हैं। और ये ए लाइन है, आजकल इसका बहुत ट्रेंड है, मार्केट में आप जाओगे तो ये कुर्तियां बहुत महंगी महंगी हैं, लेकिन आप इसको बनाए, खुद बनाए, टेलर से बनवाएं,
या जिससे भी बनवाना चाहे उससे बनवाए, तो ये बहुत चीप रेट में और बहुत अच्छी बन जाती है। और मैं आपको दिखाती हूँ इसका भी फुल लुक, आप देख सकते हैं। तो ये था आज का, ये जो सूट पहना है ना फ्रेंड्स, ये भी एक मेरे पास सूट पीस था, आप देख सकते हैं। तो मैंने इसके स्लीव्स में कुछ इस तरह का डिजाइन दे दिया सलवार के कपड़े का, और नीचे मैंने प्लाजो बना दिया, सेमी प्लाजो है। और बैक इसका मैंने सिंपल ही रखा है, आपको दिखा देती हूँ, बहुत सुंदर लुक दे रहा। तो इस तरह के कपड़े को लेकर भी आप डिजाइन करवा सकते हैं। तो बताइए आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे आज के कुछ डिजाइन, आपको कैसे लगे प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताना, अगर कोई सुझाव है तो जरूर लेना देना प्लीज, और मेरे पास प्लीज 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 कमेंट्स जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आप रायपुर में रहते हैं और मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो मेरा कांटेक्ट नंबर और मेरा एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप, मैं सिखाती भी हूँ और स्टिचिंग भी करती हूँ, अगर सीखना चाहें तो भी आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।